दोस्तों आप में से जो सभी 2020 में जेका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए थे एमसीए करने के लिए, वेस्ट बंगाल में एमसीए करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डब्ल्यूबीजेई के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला जेका एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो फिलहाल आप सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। डब्ल्यूबीजेई की तरफ से आज ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया गया है जो 2020 का जो जेका एग्ज़ाम है इसे कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है कोविड-19 के चलते फिलहाल। तो फिर आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा? देखिए, वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि डब्ल्यूबीजेई की तरफ से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट कॉलेज पे एडमिशन लिया जाता है, ये प्रोसीड्योर चेंज हो रहा है। फिलहाल आप लोगों का जो अंडर ग्रेजुएट का, जैसे कि आप लोगों का बीटेक, बीकॉम या फिर बीसीए का जो नंबर है, जो सभी नंबर है उस नंबर के बेसिस पे ही एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उस मेरिट लिस्ट का बेसिस पे आप लोगों को ऑनलाइन पे ही ई काउंसलिंग प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस और जो एडमिशन प्रोसेस है ये फुल प्रोसेस कंप्लीट होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम जो था ये कैंसिल हो जा रहा है। आप लोगों का जस्ट जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है उसी का नंबर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग पोर्टल पे जाके चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग मतलब आप लोग जैसे काउंसलिंग करने के लिए कौन सा कॉलेज को आपको पसंद है उसी का आपका बेसिस पे एक चॉइस का लिस्ट तैयार करना है। उसके बाद आप लोग को है जो रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद आप लोग को डायरेक्ट आप लोग का चॉइस फिलिंग के बेसिस पे एक कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। आज डब्ल्यूबीजेई की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जीका एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड और भी ज़्यादा अपडेट, आप लोगों को कैसे काउंसलिंग करना है, कब से काउंसलिंग शुरू हो रहा है, किस हिसाब से आपको चॉइस को फिलिंग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग फ्यूचर में भी जानना चाहते हैं तो आज ही से इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि जीका एंट्रेंस एग्जाम का हर एक अपडेट आप लोगों को मेरा चैनल से मेरा वीडियो के द्वारा मिलता रहेगा। और अगर आप में से कोई भी डायरेक्ट एमसीए में कोई भी प्राइवेट कॉलेज में लो फी स्ट्रक्चर पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है इसमें ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता है कि आप एक या दो कॉलेज से ज्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे तो वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी सारे एमसीए का कॉलेजेस है आप सभी कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले सभी गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज जितने भी सारे हैं स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज इन सभी को, मतलब जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को फर्स्ट आपको रखना है। उसके बाद जितने भी सारे टॉप एमसीए का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज है उसे आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एमसीए आपका जो 2 साल का प्रोग्रामिंग कोर्स है, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, अगर आपका यूजी का लेवल का नंबर अच्छा है तो आपको इस साल, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस नहीं हो रहा, कंपटीशन टोटली इजी हो गया, आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ईजिली मिल सकता है। इसके अलावा भी कैटेगरी वाइज रैंक का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं फ्यूचर में। फिलहाल अभी कब ऐसा मौका आएगा ये किसी को भी पता नहीं है। कोविड-19 किसी का लेके जा रहा है तो किसी को दे के जा रहा है। फिलहाल आप सबका अभी गुड टाइम चल रहा है, आप लोगों का अभी बता सकते हैं गुड लक है आप लोगों के लिए। जो भी है दोस्तों, जीका एग्जाम रिलेटेड और भी ज़्यादा अपडेट आपको फ्यूचर में मिलेगा इसी चैनल से। तब तक के लिए इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आप लोग के मन में है तो कॉमेंट सेक्शन पर जाके कॉमेंट कीजिएगा। थैंक you.